अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों को, प्यार भरा सलाम। आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, बहुत ही क्विक, जैसे हमेशा की तरह रेसिपी बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करती हूँ, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बाबरकत और रहम करने वाला है। तो इसके लिए आज मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने किया कॉलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी। ये देखें, फूल गोभी को मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीस में रखा है। ये बनाने जा रही हूँ बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट जायके के साथ। तो मैंने कहा चलिए आज आपके लिए शेयर करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है ये आप देखें कि सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पैन आप देख रहे हैं, इस पैन में मैंने हाफ पानी डाल दिया। मैंने ये पानी बॉयल हो रहा है, पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ये कॉलीफ्लावर यानी कि बंद गोभी को डालूंगी और 2 मिनट इसको पकाऊंगी, यानी कि उबाल आ जाए, एक अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगी ये, मगर ये टूटे ना, इस तरह से मुझे बनाना है। तो ये पानी जैसे ही बॉयल होता है तो मैं इसके अंदर कॉलीफ्लावर डालूंगी, यानी कि बंद गोभी, फूल गोभी जो मैंने इस शक्ल की काट के रखी है, आपके सामने दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत जायके की बनेगी, बहुत कम रेसिपी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। ये देखिए पानी ये गर्म हो रहा है, देखिए अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर बॉयल आएगा, पानी गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये गोभी जो मैंने बना के रखी है मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा मैं इसको छान लूँगी, पानी को निकाल दूँगी। देखें ये देखें, ये सारी गोभी मैंने इसमें डाल दी, अब ये इसमें बॉयल आएगा। ये देखिए इसको मैं बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा मैं इसको छान लूँगी और फिर उसके साथ मुझे क्या इंग्रेडिएंट्स में कैसे बनाना है, इसको बहुत ही क्विक बनेगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेंगे, बहुत ही कम ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे, मसाले होंगे और बहुत ही मज़े के होंगे। इसको आप किसी भी तरीके से फ्राई इस तरह से बनेगा कि आप इसको फोक से भी खा सकते हैं, इसको आप छोटी छोटी नान बनाए उसके साथ भी खा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो बहुत ही मज़े की दाल चावल और उसके बच्चे मेरे इस तरह से खाएंगे, तो मैंने इस तरह से बनाया है। तो आप देखिए ये अभी बॉयल आ रहा है इसके अंदर, जैसे ही बॉयल आएगा मैं छान लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। अब देखिए इसमें बॉयल आ गया, 2 मिनट हो गए, 2-3 मिनट हो गए इसमें ये बॉयल आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको पानी निकाल दूँगी, यानी इसको छान दूँगी स्ट्रेनर में डाल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा क्रंची और बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही क्विक बनेगा, इसकी मैरिनेशन बहुत आसान है। बस अब मैं इसको इसका पानी छान के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ। ये देखिए इसका अच्छा अच्छा बॉल आ रहा है, मैं पानी छानने जा रही हूँ इसकी। अब ये देखिए मैंने कॉलीफ्लावर का पानी निकाल दिया स्ट्रेनर से और अब मैं इसको यहाँ पर रखे, अब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मैं इसको कैसे बनाऊँगी। इसको मैंने ऑलिव ऑयल से बनाना है, ये देखिए मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया 4 स्पून अपने अंदाजे से। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये देखिए ये लहसुन है क्रश करके रखा मैंने, ये लहसुन डाल दी क्योंकि ये बना, ये डिश का नाम ही है कॉलीफ्लावर विथ गार्लिक। देखिए ये देखिए ये 2 स्पून है, ठीक है, मेरे अंदाजे से मैंने बना के रखा था, ये 2 स्पून है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा इसमें मैं और ऑयल डालती हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसके साथ भूनूंगी और इसकी खुशबू आने लगे। देखिए ये देखिए खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी है, लहसुन की थोड़ी सी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और कॉलीफ्लावर तो ऐसा ही है कि इसमें उसको इसमें जैसे बनाते हैं तो ये और अच्छी खुशबू आती है। अब इसके साथ मुझे क्या क्या डालना है, ये 1 चम्मच लाल मिर्चें हैं जो ज़रा सा अच्छा वो देंगी, टेस्ट देंगी, और 1 चम्मच में काली मिर्चें हैं इसमें डाल देंगे। ये देखिए छोटी सी टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1 टीस्पून डालूंगी बस, ठीक है। और ये पेपरिका डालूंगी 1 टेबल स्पून, ज़रा सा खुश रंग और हसीन कलर जो आएगा गोभी के ऊपर, ये देखिए ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर ये कॉलीफ्लावर डाल देती हूँ, मिक्स करूँगी, ये देखना ये डाल दूँ और इसमें नमक, तो और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी
ताकि ये जले नहीं और सब पे कलर आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, बस इसमें ये तीन इन्ग्रीडियंट डाले हैं कि मैंने क्या किया, पहले कॉलीफ्लावर को मैंने पानी में बॉईल कर लिया 2 मिनट के लिए, और फिर मैंने क्या किया उसका पानी छान दिया। छानने के बाद मैंने ऑलिव ऑयल के 4 स्पून लिए, उसमें मैंने लहसुन क्रश करके रखा था वो मैंने डाल दिया। उसके साथ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्चों के डाली है, 1 चम्मच मैंने पेपरिका डाला है, मैंने पाउडर रेड चिली, उससे खुश रंग होगा। और ये देखिए बस ये रेडी है खाने के लिए। ये देखें कितना आसान और कितनी ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। ज़रूर बनाइएगा और हमेशा बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मैं आपके लिए शेयर करती हूँ अपनी सारी रेसिपी, ताकि आप लोग इसको इंजॉय करें। ये बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही लजीज है, और बहुत ही 2 इंग्रेडिएंट्स 3 इंग्रेडिएंट्स में। तो बनाइए, ट्राई कीजिए और इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये देखिए, क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता, बस इसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें मैंने नमक, काली मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच पेपरिका और 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है मैंने, और ये इस तरह से ये रेडी हो गया। ये देखिए अब इसको मैं तेज़ आंच ऐसे कर दूँगी, ये बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही हल्के मज़े की। और ये देखिए बस, तो अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं तो बहुत कम इन्ग्रीडियंट में चीज़ें बनाती हूँ, ज़रूर बनाइए, आप इसको इन्जॉय करेंगे। और बहुत लेस मसाले में सब्जियां जो होती हैं हमेशा लेस मसाले में ही अच्छी बनती है, तो मैंने कहा नए स्टाइल से आपको एक स्पेनिश तरीके की गोभी बनाई है मैंने, स्पेनिश कॉलीफ्लावर विद गार्लिक, तो बहुत मज़े की, ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में मेरे चैनल को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।